चोर धरने पर पहुंचे सांसद एसटी हसन और जावेद अली, कहा संसद तक पहुंचाएंगे आवाज, महिलाओं का धरना पांचवें दिन भी जारी। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरना दे रहे मुस्लिम महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए आंदोलन के पांचवें दिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन, राज्यसभा सांसद जावेद अली के साथ ही ठाकुर द्वारा के सपा विधायक नवाब जान खां, संभल के विधायक इकबाल महमूद, आपकी आवाज को विधानसभा तक पहुंचे सपा के सांसद ने कहा कि उनकी आवाज सांसद तक पहुंचेगी। संभल की महिलाओं के पांचवें दिन पहले दीपसराय नवादा थाना इलाके में हसन प्लेस के निकट एक परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू किया था। उसी दिन से बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं दिन रात धरना स्थल पर जमी है। सपा सांसदों पर आंदोलन कर रही महिलाओं के साथ दे रहे इसी बीच के सांसद जावेद अली, ठाकुर द्वारा के विधायक नवाब जान खां, संभल के सपा विधायक ने कहा कि जिस तरह आज आपकी मेहनत दिन रात कर रही है, उसी प्रकार से जनता को कानून को लेकर राज्यसभा में चर्चा हो रही थी, उसे उन्होंने गृह मंत्री के सामने मजबूती के साथ निभाते हुए विरोध किया। देखिए, जिस तरह से तमाम दुनिया को ये बात मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर एक ऐसा अनडेमोक्रेटिक काम हुआ है, एक ऐसा कानून बना है जो यहाँ की जमहूरियत के ही खिलाफ नहीं है बल्कि यहाँ के दस्तूर और कानून के प्रीएम्बल के भी खिलाफ है, कानून की रूह के खिलाफ है। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ के कानून किसी को भी मजहब के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, कोई उसमें भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन शायद आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार एक ऐसा कानून बना है जिसमें मजहब के आधार पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी बहुत ज़बरदस्त बेचैनी है और गम गुस्सा है। उसी प्रोटेस्ट में ख़ास तौर से जो यहाँ पे हमारी बहन बेटियों ने प्रोटेस्ट शुरू किया है शाहीन बाग की तर्ज के ऊपर, इनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग वहाँ से चल कर आए हैं और हम ये चाहते हैं कि ऐसे प्रोटेस्ट तमाम हिंदुस्तान में हो और सरकार को कम से कम हम सब लोगों की बात सुननी चाहिए। और ये सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी शामिल हैं। इस तरह से हमारे देश को आज़ाद कराने में सब लोग शामिल थे। आज हिंदुस्तान की दूसरी जंग आज़ादी शुरू हो चुकी है, उसी तरह से इस प्रोटेस्ट में भी सभी लोग शामिल हुए। सबसे पहले तो पूरे देश में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं सीए के खिलाफ, जो संविधान विरोधी कानून बनाया है, संबल भी उसी का एक हिस्सा है। आज संभल की ख्वातीन को, यहाँ की बच्चियों को, जिन्होंने ये हौसला रखा और इस प्रोटेस्ट में भागीदारी करी, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ ये कानून हमारे संविधान के प्रस्तावना के ख़िलाफ़ है। और दूसरी बात, जो ये NPR और NCR लाने की बात कह रहे हैं, वो भी बड़ा ख़तरनाक काम होगा। साथ ही साथ जो CM है, इन्होंने धर्म के आधार पर विभाजन किया है, वही सबसे बड़ा संवैधानिक विरोधी कार्य है। और हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। हम इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस काले कानून के खिलाफ, उसको अपना समर्थन और इनका हौसला बढ़ाने आए। पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो सरकार ने एक संविधान विरोधी कानून संसद में पारित किया है उसके खिलाफ। ये कानून इस देश के होने वाले नागरिकों को धर्म के आधार पर उनकी शिनाख्त करता है। हमारा संविधान अपने नागरिक या कहीं के भी नागरिक की शिनाख्त धर्म के आधार पर करने से मनाही करता है। ये हमारा बुनियादी विरोध है इस CAA के कानून से। इसके बाद गृह मंत्री ने सदन के अंदर अनेक बार कहा है कि वो देश के अंदर NRC लागू करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं NRC का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। सबसे पहले मेरे सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने बड़ा खम ठोंक करके राज्यसभा में कहा था कि हम इंच इंच ज़मीन पर देश की NRC लागू करेंगे। तो ये समझ में नहीं आता कि इनमें सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। NRC का जो अनुभव असम के अंदर है,
वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो एक तरीके से असम के लोगों को सिर्फ परेशान करने के उद्देश्य से वो पूरी प्रक्रिया चली है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, नागरिकता किसे मिलेगी, किसकी बचेगी, किसकी जाएगी, ये बात तो 10 साल के बाद तय होगी, लेकिन 10 साल तक सारे लोगों को परेशान रखना चाहते हैं ताकि वो अपने बुनियादी सवालों पर इकट्ठे ना हो सके या उन परेशानियों की तरफ न सोच सके। इसलिए हम इस विरोधी आंदोलन का, जो विरोध आंदोलन चल रहे हैं जगह जगह, उनका समर्थन। प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आप क्या समर्थन दे रहे हैं? देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सीए एमपीआर के विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं। उसी सिलसिले में संबल के अंदर भी हमारी बहनें, हमारी माएँ इस काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ बैठी हैं। ये कानून हिंदुस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ है, ये कानून हिंदुस्तान के संविधान के ख़िलाफ़ है। पिछले सत्र के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमान बहनों के लिए 3 तलाक का मामला किया था, कानून बनाया था। आज मैं उनसे कहूँगा कि वही आपके मुस्लिम बहनें और माएँ हमारी सड़कों पर बैठी हुई हैं, उन सब के लिए आपको फिर सोचना चाहिए। जिनके लिए आपने 3 तलाक कर लिया है वो आज सड़कों पर बैठी हुई हैं, आएँ उनसे बात करें, उनकी उनकी समस्याओं का समाधान करें। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, किसी एक पार्टी के नहीं हैं, किसी एक समुदाय के नहीं हैं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ बन जाता है कि आप उन सब से बातचीत करें और इसका समस्या का समाधान निकालें।